प्रदेश सरकार ने शादी और खास मकसद से धर्मांतरण करने या दबाव बनाने के मामले में नया कानून बनाया है। शनिवार रात देवरनिया थाने में कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। सीओ बहेड़ी यतेंद्र नगर भी रविवार को आरोपी की तलाश में रामपुर तक गए, मगर वह नहीं मिला। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इसे प्रदेश में पहली रिपोर्ट बताया। बीथरी विधायक पप्पू भड़तौल का कहना है कि सीएम योगी ने बेटियों की रक्षा के लिए अच्छा कानून बनाया है, इसे देश भर में लागू करना चाहिए। डीआईजी बरेली रेंज राजेश कुमार पांडे का कहना है कि जल्द ही सीटीएनएस में नए कानून के आधार पर डाटा दर्ज कर दिया जाएगा, फिर इसे पेन से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राथमिकता से ऐसे मामलों में रिपोर्ट और गिरफ्तारी की जाएगी। देवरनिया के एक गांव निवासी छात्रा के पिता ने शनिवार को रिपोर्ट कराई कि गांव का युवक आवेश अहमद उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है, विरोध पर उन्हें भी धमकाता है। पढ़ाई के दौरान उसका परिचय बेटी से हो गया था, अब वह उस पर अनुचित दबाव बना रहा है। प्रभारी डॉक्टर संसार सिंह के निर्देश पर देवरनिया इंस्पेक्टर दयाशंकर ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस मामले की इंस्पेक्टर दयाशंकर विवेचना कर रहे हैं।